की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज कम। हाँ जी, थ्री ऑफ अस, मैं विद लिटिल श्रुति भी आई। कम 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 मैम, नहीं नहीं, 26 जनवरी की शुभकामनाएं पहले आप दीजिए, फिर जूही बोलेंगे। ये बहुत ही सुखद रिपब्लिक डे है विद द राम मंदिर, और आप सबको जय श्री राम एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। नहीं, इसका इनिशिएटिव मतलब इन्होंने जो शुरू किया है, ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आगे लेके जाना चाहिए, बिकॉज मुंबई इज़ वन प्लेस जहाँ पे ग्रीनरी की बहुत सख्त कमी है, और हमें अपने घरों में इफ़ नॉट गार्डन्स लेकिन अपने घरों में तो हम प्लांट्स रख ही सकते हैं। जैसा कि हमने सुना स्टेज पर, वी आर मूविंग, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी बूम होती जा रही है, बट इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एट द सेम टाइम हम उसे बैलेंस करें, हम अपनी प्रकृति को संभाल कर रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट के बिना हम जी नहीं सकेंगे। तो इट वाइल वी आर रेसिंग अहेड इन दैट, वी नीड टू बैलेंस इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अटेंशन टू आवर एन्वायरमेंट। एंड ऑल्सो ये एन्वायरमेंट की बात, ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये हर रोज़ करना है हम सबको। अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ छोटे छोटे कदम इसकी तरफ उठाने हैं। अपने घर में हरियाली फैलाइए, प्लास्टिक को हटाइए, मेक माइंडफुल चॉइसेस। ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत होती नहीं है हमें, मगर हम बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली खरीद लेते हैं, जोड़ लेते हैं। वी कैन डू विद मच लेस एंड वी कैन डू मच बेटर, सो लेट्स डू इट एवरी डे। चाइना, ये हमारी सुपर वुमन है, बहुत सारा काम करती हैं, एंड आई एम अमेज्ड एट हर स्पिरिट। ये जैसा कि ये कह रही थी, दिस इज़ द 152nd एग्जीबिशन डन बाय, यस, स्टार्टेड बाय योर फादर बट देन कैरिड ऑन बाय यू ईयर आफ्टर ईयर। मैं इनके इस एग्जीबिशन में पहले भी जा चुकी हूँ, पहले मरीन ड्राइव पे होती थी और अब यहाँ पर होने लगी है। एंड आई एम होपिंग चाइना कि सिर्फ यहाँ नहीं हो, ये हर मॉल में हो, और सिर्फ चार दिन के लिए ना हो, हर रोज़ के लिए किसी ना किसी तरह आप लोग उपस्थित हो। थैंक यू। जी जी जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो कहती हूँ, चलिए आज पद्म भूषण मिला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इतने टैलेंटेड हैं, इतने सालों से मैं उनके गाने सुनते आए हैं हम सब लोग। हमने भी अपनी फिल्मों में उनके गानों पर हमने परफॉर्म किया है, वेरी वेरी टैलेंटेड। वो हमारे इस क्या कहें, इस देश की एक, वो हमारी एक जेम है। जेम को क्या कहते हैं, चलिए मनी, he is a gem of India, so an honor for him is an honor to India, and I'm very very happy and very proud for him. Adaniya Lodha ji, oh ho, sorry, Mumbai ke chaliye, aaj aapko dhanyawad ki aap aaye I love Mumbai ke is karyakram mein। Juhi ji, Shruti ji, Yogesh bhai, this is the 152nd exhibition, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मुंबई के पर्यावरण को लेके लोग गंभीरता से अपने कंपाउंड्स में, सोसाइटीज़ में, अस्पताल में, स्कूल में पेड़ पौधे लगाएं। हम 35,000 सैपलिंग्स हर साल फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उम्मीद है कि लोढ़ा जी के योगदान के साथ पूरे मुंबई में ये हरियाली बढ़े। लोढ़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आने वाले थे, और चाइना जी का आई लव मुंबई का उनके साथ में जो अपनत्व का संबंध है, और ये संबंध आज से नहीं है, नाना चुदासमा के समय से है। जब नाना थे, शेरिफ थे, तब
तब शायद उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी साइना जी, और आज आपने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। नाना जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरी बेटी ने वो सारा किया जो मैं मुंबई को देना चाहता था। आज जूही चावला जी यहाँ पर आई हैं, योगेश जी आए हैं, अनुराधा जी हैं, आपकी पूरी टीम है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर जो जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है उसमें किसी को किसी का साथ देने की ज़रूरत है, तो मुंबई करों को साइना एनसीजी का साथ देने की ज़रूरत है, आई लव मुंबई का देने की ज़रूरत है। जब तक ग्रीनरी नहीं बढ़ेगी तब तक हम कितना भी बाकी सारे कर लें वो सब कम अफेक्टिव रहेंगे, पर ये जो साइना जी ने प्रोग्राम किया है ट्री बांटने का, और वो भी केवल छोटे मोटे नहीं, हज़ारों की संख्या में ट्री बांटते हैं और साल में बार बार प्रोग्राम करते हैं, और इससे प्रेरणा लेकर हम सबको मुंबई हरित बने इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय उप मुख्यमंत्री मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से और अजीत पवार जी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साइना जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप वही कर रही हैं जो काम सरकार को करना चाहिए था, इसलिए हम सब आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे।